आप सभी के लिए बड़े आनंद का शुभ समाचार पीजे स्टीफन पॉल मिनिस्ट्री की तरफ से। सुबह और शाम की आराधना प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे और शाम 6:30 बजे हिंदी में पास्टर पीजे स्टीफन पॉल जी वचन की सेवा करेंगे और सभी के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाएंगी। आओ हम सभी राष्ट्रों के लिए और देश के लिए प्रार्थना करें। आओ हम सभी अपने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। इस अवसर को ना छोड़ें और प्रभु के वचन को सुनकर आशीष प्राप्त करें। पीजे स्टीफन पॉल हिंदी यूट्यूब चैनल में इस सीधे प्रसारण को देखें और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीष को प्राप्त करें। अगर आप जूम ऐप में जुड़कर कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो इस जूम आईडी का उपयोग करें। हमारा जूम आईडी है 9553901901। पीजे स्टीफन पॉल मिनिस्ट्री की तरफ से हिंदी आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबका स्वागत करते हैं पास्टर पीजे स्टीफन पॉल जी की मिनिस्ट्री के द्वारा। जितने भी लोग हमारे साथ इसे ऑनलाइन में जूम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और चर्चस के द्वारा जितने भी इस ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, हम आपका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए इस आराधना को शुरू करने से पहले हमें परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जैसे कि हम तेरी आराधना शुरू करने के लिए जाते हैं। प्रभु सारी बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आप इनको निरंतर में दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Lord, my God. We praise you, Jesus. We worship you, Lord, my God. Thank you, Father, Lord Jesus. We praise you, Lord. Amen. Alleluia. Thank you, Jesus. Alleluia. Oh, praise you, Jesus. Lord my God. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हाले लुया हाले
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हाले जहां मैं तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां मैं तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटनों में ठेकूं बस तेरे सामने। है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 और हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें और उसमें रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इनके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारियां हैं। यही हमारी आध्यात्मिकता है। पहला तिमोथी 2:1 से लेकर 2 तक हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। अब मैं सब पहले से यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रभु नाश होने वाली आत्मा को बचाएं। एकजुट होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें आपके मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके सगे संबंधी के लिए, आपकी गली के लोगों के लिए, आपके शहर के लिए, गांव के लिए,
आपके रिश्तेदारों के लिए, सभी आत्माओं के लिए, ताकि प्रभु उनका उद्धार करे। आओ प्रार्थना करें मिलिट्रीज के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। प्रभु तेरी सहायता से उनका और उनके परिवार का संभाल कीजिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रभु आप इन्हें भी समर्पण करें, ताकि इनका उद्धार हो और सत्य को ग्रहण करें। प्रभु आप उन लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खोलें, ताकि उनके जीवन में परिवर्तन होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु पुलिस विभाग के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके रक्षा करें परमेश्वर। फायर डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आप सहायता करें और उनको अच्छी समझ दें, ताकि सही रीति से काम करें। आओ हम स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रार्थना करें, जो कोई भी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्य वृत्तिक वर्कर्स, इन सबको संभालें, इन्हें संभालें। जो कोई भी इनमें विश्वास योग्य से काम कर रहे हैं, हे प्रभु आप उनकी देखभाल करें, ताकि उनकी सहायता हो और उनका उद्धार होने पाए। नगर पालिका के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें उनके परिवारों के लिए और उनके कामों के लिए। प्रार्थना करते हैं मुख्य अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्धार होने पाए। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपका धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी किसानों भाइयों के लिए और उनके परिवारों के लिए। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आप शुद्धि ली। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी किसान भाई आत्महत्या ना करे, प्रभु इन सब का उद्धार होने दे, इन सब की परेशानियों को दूर करे, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे, इनकी खेती बाड़ी में उन्नति आने दे। ऐसे ही प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी दया इन पे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए सभी विभागों के लिए प्रार्थना करें, बैंकिंग, ITI, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल्स, इनकम टैक्स, साइंटिस्ट, जजेस, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स एवं इन सभी लोगों की शुद्धि ली। सिंचाई विभाग, डाक विभाग, कुरियर सेवा, शिक्षा विभाग, संचार, हम सब लोगों के लिए विनती करते हैं, सभी विभागों को आप स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, इन्हें अच्छा काम करने के लिए इनकी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं इनका उद्धार हो जाए, प्रभु आप इनकी शुद्धि लें। जो कुछ भी हमने प्रार्थना में तुझसे मांगा आपने उत्तर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति हो। परिवहन विभाग के लिए प्रार्थना करेंगे, आओ इन सब के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, रेल ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर कैप्टन्स एवं ऐसे सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु इनकी रक्षा करें और इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। प्रभु तुझसे विनती करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी ज्योति और तेरी दया इन पर प्रकट हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आओ हम विश्व के लिए प्रार्थना करें, जितने भी मसीह लोगों को सताया जाता है, पिता इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और सताने वालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं सभी मिशनरियों के परिवार के लिए, उन्हें स्मरण कर प्रभु, उनकी आप सुरक्षा करें और सब लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जो भले काम करते हैं, जब वह सत्य का शुभ समाचार प्रचार करते हैं, उन्हें भी हर एक संकट से और विरोध से उनकी रक्षा करें। और प्रार्थना करते हैं जो विरोध की आवाज उठाते हैं, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे भारत देश में धार्मिकता की फूट डालने वाले, धार्मिकता के अंदर वाद विवाद करने वाले, इन सभी को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। लोगों के अंदर शांति आने दें और हम चाहते हैं प्रभु हमारा भारत देश
एक नई ऊंचाई पर होने पाए, किसी भी प्रकार की हानि होने ना पाए। वाद विवाद से इन लोगों को आप बचाएं, ताकि इन सब के अंदर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर कोई दगा ना होने पाए और कोई भी मतभेद यहाँ प्रवेश ना करने पाए। प्रभु आपके दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे इवेंजलिस्ट, प्रार्थना योद्धा, बिशप, पास्टर्स, टीचर, इन सब के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे, गॉस्पल म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर इन सबको संभाले। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वॉलंटियर्स को उनकी प्रार्थना में याद रखें। हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और खासकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे समर्थकों के लिए जो हमारी सेवकाई में आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे कि प्रभु इनकी भेंट लेने पाए। सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे, जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है, परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और इनके परिवारों को आपकी सुरक्षा होने दे। भारत में जहाँ भी तेरी आराधना होती है, हम चाहते हैं प्रभु उनकी सेवकाइयों में उन्नति हो, और उनके द्वारा चर्चों में एक नई जागृति आने पाए। हर एक सेवक हिम्मतवर बन जाए, अपने दासों के परिवारों को आशीष करे। प्रभु जो तेरे दास विश्वास योग्य से तेरी सेवा करते हैं, उन्हें आशीष करे, और प्रभु उन्हें संभाले। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। आपने अपने सेवकों को अब तक संभाला है। आओ हम तीन बार कहें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे सेवकों के लिए। प्रभु हम चाहते हैं तेरे सेवक, उनकी सेवकाई, उनका परिवार तेरे अग्नि कोप से निरंतर घिरा रहे, यही हमारी प्रार्थना है। इन 24 सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग लगातार इस सेवकाइयों में लगे हुए हैं, इनके ऊपर तेरी महान दया होने दे। सभी एक आत्मा में होकर यह कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की दया हो। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें, इस संसार की सारी अंधकार की शक्तियों को, शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। हम सब मिलकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग आईसीयू में हैं, चाहे वह आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके संबंधी हो, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वह चंगे हो जाएं और उनको छुटकारा हो जाए। परमेश्वर तेरी एक महान दया होने दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी से जकड़े हुए व्यक्ति को सर से लेकर पैर के तलवे तक छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जितनी भी अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, कमजोरियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं छोड़। जो लोग त्वचा रोग से पीड़ित हैं, अल्सर अस्थमा से पीड़ित हैं, टीबी से पीड़ित हैं, थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं, हृदय की समस्या से पीड़ित हैं, गुर्दों की समस्या से पीड़ित हैं, गैस पथरी से पित्तशय की समस्या से पीड़ित हैं, गर्भपात समस्या से पीड़ित हैं, आओ हम प्रार्थना करें पुरुष और महिलाओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जो माएँ स्तनपान बच्चों को करवाती हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उन्हें चंगा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें जिनके हाथों की हथेलियों में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, हर एक बीमारी क्यों ना हो, हम सब इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको पूरी तरह से छुटकारा दे। आप दयालु हैं, तेरी दया और तेरी कृपा इन सब के ऊपर होने पाए, ताकि यह लोग जब चंगे हो यह तेरी साक्षी दे पाए। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार हो जाएं। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो कुछ भी हमने प्रार्थना की आपने उत्तर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति हो।
मानसिक तनाव के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मानसिक तनाव से पीड़ित, मंद होना, सभी प्रकार के भय, चिंताएं और जो उदास और दुखी हैं, मानसिक बीमारी वालों को याद रखें। ऑटिज्म से पीड़ित लोग यीशु मसीह के नाम से सब चंगे हो जाएं और उनका उद्धार हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो आत्महत्या के विचारों में हैं और बुरे विचारों में फंसे हुए हैं, वह बड़े से लेकर छोटे तक, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उन सबको छोड़। शैतान की सारी शक्तियाँ, आत्महत्या को भड़काने वाली आत्मा को आज्ञा देता हूँ, छोड़, और वह चंगे हो जाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, हम किसी भी दुविधा में ना पड़े, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करें सुनामी के लिए, भूकंप के लिए, भवंडर के लिए, ज्वालामुखी के लिए, बाढ़ और जैसे जमीन का खिसकना एवं अकाल के लिए, और बहुत ऐसे खतरनाक दुर्घटनाएं होने जा रही हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता के द्वारा कही हुई बातें पूरी होने जा रही हैं। प्रभु, हमें आने वाले समय से बचाएं। प्रभु, हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं। हम अपने लोगों को, अपने दासों को आने वाली दुर्घटनाओं से बचाएं और हमारी रक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हम विमानों का जो सफ़र करते हैं, प्रभु आपकी कृपा सब पे हो और हमें संभाल। रेलगाड़ी की यात्रा करते समय हमारी सुरक्षा करें। गैस सिलेंडर की दुर्घटनाओं से बचाएं। फोन ब्लास्ट होने की दुर्घटनाओं से बचाएं। आग की दुर्घटनाओं से बचाएं। वाहन चालकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो लोग लापरवाही से वाहन चलाते हैं, उन्हें समझ दे ताकि वह समझदारी से वाहन चलाएं। प्रभु, जैसे तूने वादा किया है, तू हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद करते हैं आपके वादे के लिए। प्रभु, हमारे आने जाने में हमारी सहायता करें। आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे भविष्य के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा को सफल करे। मसीह के प्रियजनों, हम एक साथ होकर एकत्रित हो जाएं, जो संसार के अंदर आत्माओं को नाश करने वाली अंधकार की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से नाश करें, वह निकल जाएं। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो घर में हो, गांव में हो, शहर में हो एवं कहीं भी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें डांटते हैं। जहरीले कीड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार की मृत्यु ना होने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि तू अपने लोगों की देखभाल कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी मनुष्य को जंगल के जानवरों से और एवं किसी भी जानवर से किसी मनुष्य को हानि ना होने पाए। प्रभु, हम तेरे हाथों में सबको समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी आपके लोग हो, उनकी रखवाली करें। अचानक होने वाली मृत्यु को की जो नौजवानों में अधिकतर होती है, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, आप हमें बचा सकते हैं और अपने लोगों को भी प्रभु तेरी दया के द्वारा आने वाली मृत्यु से बचाए। जितनी आयु आपने दी है, उतनी आयु हम बिताने पाए। मदद करें ताकि विश्वास योग्य से और सच्चाई से जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता करें। प्रभु के प्रियजनों, आओ हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम एक होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाए, ताकि नौजवान बच्चे नाश ना हो। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बच्चे अगवा करते हैं, प्रभु उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें धिक्कारें। प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बच्चों को गलत मार्गों में चलाते हैं, और जो लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं और गैर कानूनी काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारें। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाने और वे किसी भी प्रकार के आदि ना हो और ना किसी प्रकार की गलत संगतियों के आदि हो। जो बच्चे बुरी आदतों के आदि हैं और अश्लील साइट देखने वाले बच्चे, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने वाले बच्चे, इन सब को प्रभु छुटकारा दे। प्रभु, तेरे लोग बचाए जाए और उन सब का नाश करने वाली दारू, अन्य प्रकार के आदि, इस सब का छुटकारा हो। तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं व्यभिचारियों के लिए। हम यही चाहते हैं कि प्रभु इन सब का छुटकारा हो जाए। हम ऊँची आवाज़ से तुझे पुकार कर प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन बदल। सारे विश्वासी लोग बचाए जाएं, गलत शिक्षाओं से बचाए जाएं। जो लोग मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर
लोगों को आकर्षित करते हैं उन लोगों से अपने आप को बचाए। तेरे लोगों को तेरे वचन की सही ज्ञान दे ताकि वह सत्य के मार्ग पर चले। प्रभु आप उनका छुटकारा करें जो लोग गलत शिक्षा में फंस चुके हैं। आइए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। चोर, तांत्रिक, झूठे, अपश्चातापी, धमकाने वाले, दगा करने वाले, धार्मिकता के संघर्ष को शुरू करने वाले, घर में झगड़ा उत्पन्न करने वाले जो हमारे आसपास के माहौल को बिगाड़ते हैं, प्रभु जी इनके मनों को बदलें ताकि इनका पूरी तरह से जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनके साथ दगा करते हैं, ऐसे लोगों की तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग विधवाओं की संपत्ति को लूटते हैं सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु उन लोगों को बदलें जो बड़ी बेरहमी से व्यवहार करते हैं। प्रभु हम चाहते हैं इनका जीवन बदल जाए, वे अपने समाज के लिए अच्छे व्यक्ति और अच्छे पिता के समान एक अच्छे व्यक्ति के समान निवासी बन जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हैकिंग करते हैं उनका मन परिवर्तन हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं गुनाहगारों के लिए, प्रभु तेरे प्रेम का अनुभव उन्हें आने दे, वह भी पश्चाताप करे और तुझे ग्रहण करे। दया करें पिता, उन्हें छुड़ाएं और उनका जीवन बदल जाए। प्रभु उनके लिए भी सही न्याय करने में उनकी मदद और सहायता करें ताकि उनकी रिहाई हो जाए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो बिना किसी कारण में जेल में फंसे हुए हैं, जल्द से वे अपने घर में जाएं, उनका छुटकारा हो, यही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं फिल्मी कलाकारों के लिए और कारोबार करने वालों के लिए, राजनीति करने वालों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु तेरी भेंट उन सब से हो जाए, इनकी आत्मा का तारण कर। हालांकि इनके पास बहुत धन हो सकता है, बहुत नाम और शोहरत हो सकती है, यह लोग अपनी आत्मा को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। यह लोग तेरी सच्चाई को जानें और तेरे पास आएं जो आत्मा को बचा सकता है, इनका और इनके परिवार का उद्धार हो। वे लोग तेरे प्रेम को जानें, उनके लिए भी मार्ग खोल ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। यह लोग इस बात को जाने कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है, उनके सारे पापों को छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। आओ हम प्रार्थना करें उनके लिए जिनके पास काम नहीं, जो बेरोजगार हैं, वे अपना हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है और वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से साक्षियों को दे रहे हैं। जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपसे निवेदन करते हैं जिन बेटे और बेटियों के पास काम नहीं है उन्हें काम दीजिए और तेरा अनुग्रह करें, उनके अंदर से शक की आत्मा को दूर करें। आर्थिक समस्याओं से, परेशानियों से बेचिंतित कीजिए। प्रभु जैसे आपके बच्चों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है उन्हें मिलने में मदद और सहायता करें और ग्रीन कार्ड मिलने में सहायता करें, जैसे कि पीआर वीज़ा मिलने में मदद करें। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जिन लोगों ने स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा के लिए आवेदन किया हुआ है दूसरे देशों में, जल्द से जल्द उपलब्ध करने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जिनके पास घर नहीं उन्हें घर मिलने में मदद और सहायता करें, जिनके पास गाड़ियां नहीं उन्हें गाड़ी मिलने में मदद और सहायता करें। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की है, प्रभु जो कुछ भी इसमें है वह सब कुछ तेरा है। जब तक तू आ नहीं जाता तब तक प्रभु तेरे लोगों के पास अपने घर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता मैं चाहता हूँ हर एक परिवार में निरंतर प्रार्थना होती रहे, आराधना अभिषेक के साथ
लगातार उनके परिवारों में होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो विवाहितहीन हैं प्रभु, उन लोगों के गैर संबंधों से छुटकारा दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो शादी के बंधनों में बंधने के लिए जा रहे हैं, उनकी शादियां होने पाए बिना किसी रुकावट से। आप उनके ऊपर अनुग्रह करें प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए जो कि नौजवान भाइयों और बहनों पर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसीलिए सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं। शादी के बाद किसी भी परिवार के अंदर पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद ना होने पाए, उनके परिवारों में एकता बनी रहे, उनके घरों में शांति आनंद यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में सर्वदा बना रहे। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को हो। आओ हम प्रभु से कहें कि अपने लोगों की मदद करें। प्रभु से कहें आज से, इस हफ्ते से, इस महीने से, जिन्होंने अपने काम कारों को शुरू किया है और करने जा रहे हैं, जिस किसी ने शुरू किया है उनकी सहायता कीजिए और उन्हें अपने कामों में बढ़ोतरी लाने में मदद करें। परमेश्वर उनकी सारी अड़चनों को दूर करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों के व्यापार में बढ़ोतरियाँ होने दें और यह लोग तेरी सेवकाई के लिए सहभागी हों, अपनी सहायता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आप इन्हें बदले, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाए, अपनी सहभागिता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आप इन्हें बदले, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाए। प्रभु जैसे तेरे बच्चे ऊंचे पदों पर जाते हैं उनकी जल्द से जल्द तरक्की होने में मदद करे। प्रभु की महिमा हो उनके ऊंचे पदों के लिए और उनकी तरक्की के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हम चाहते हैं कि प्रभु जिनके पास संतान नहीं उन्हें संतान दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं वह अपने हाथ को अपने पेट पर रखे ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तेरी दया उन पे हो जाए जो बच्चों को चाहते हैं। प्रभु जैसे आपने अब्राहम और सारा को इजाक दे दिया और जैसे आपने एलिजाबेथ और जकरिया को यहूना दे दिया, वैसे ही इन सबों को याद कीजिए। हर एक गर्भपात महिला फल देने पाए, हर एक जो जिसमें बाघ हो रहे हैं बच्चों के लिए उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उन्हें स्वास्थ्य शिशु जन्म देने में आशीष करें। प्रभु आप उन सबको याद करें जो गर्भवत महिला है ताकि जो बच्चे उनके गर्भ में हैं उनका विकास होने पाए, जो औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए जा रही हैं और उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद और सहायता करें। बच्चा और माँ सही सलामत घर आए यीशु मसीह के नाम से यही प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान में उनको बढ़ाए ताकि वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, वे समझदारी से बढ़े और परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की कृपा में बढ़े। आओ हम सभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके उठने बैठने और स्वभाव में बदल करें। प्रभु आप इन्हें अपने पास आने दें। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए ताकि वह इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट, ईमानदार नेता बने। प्रार्थना करें कि शिक्षक आईएएस, आईपीएस और मुख्य विभागों में बढ़ते जाएं, वह आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में होने में उनकी मदद और सहायता करें। और हम चाहते हैं वह राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स और ऊंचे पदों की शिक्षा प्राप्त करते हुए ऊंचाइयों में बढ़ते जाएं। तेरी दया उनके ऊपर होने दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु उन्हें भी आप याद रखें जो कोई अपनी तैयारी आने वाली परीक्षा के लिए कर रहे हैं, उनकी भी मदद करें। प्रभु आप उनकी मदद करें कि जो सही समय पर सही प्रश्न का उत्तर दें ताकि वह सही परीक्षा लिखकर डर की आत्मा से दूर हो जाए, हर एक विषय उनके लिए आसान हो जाए, उनकी रुचि और पढ़ाई की तरफ बढ़ने पाए, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो ताकि यह धार्मिकता पर चलने लगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु के प्रियजनों, आई एम सभी पीजीएस पॉल फाउंडेशन और उनकी सभी सेवाओं के लिए प्रार्थना करें, जो मुफ्त चिकित्सा शिविर, रक्तदान, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद और सेवकाई अन्यथा प्रकार की जाती है, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा के घरों में जो जुड़े हुए हैं और उनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मदद करें और उन्हें आशीर्वाद करें। प्रभु स्वर्ग के द्वार इनके लिए खोले। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे सेवकों के लिए जो इस सेवकाई में लगातार इस सेवा में जुड़े हुए हैं। आइए हम सभी दुनिया भर में सभी अनाथालयों, वृद्धाश्रम, विधवाओं के घरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनकी रक्षा करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें और उन्हें यीशु मसीह के नाम से शिफा मिले, आमीन। भूख से होने वाली मृत्यु को प्रभु आप रोके। हमारे देश में अनपढ़ता को खत्म करें। कई अमीर लोग हैं जो आगे आके इन गरीबों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्रभु इनके विचारों को बदले, प्रभु इनके हृदयों का परिवर्तन करें और ताकि यह लोगों का उद्धार हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं विकलांगों के लिए, जिनके शरीर में समस्याएं हैं, जो दूसरे लोगों की तरह अपने कामों को नहीं कर सकते हैं। प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके शरीरों के अंदर फिर से प्रभु जी खुदांदा ताकत आए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उनकी सहायता करें, और प्रभु हम चाहते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें इन किन्नरों के लिए, इनकी आत्माओं के उद्धार के लिए, कि प्रभु की सहायता से इनकी आत्मा का उद्धार होने पाए। और प्रभु हम तुझसे कहते हैं, प्रभु इनकी रक्षा करें और संसार में इनके आदर योग्य जीवन में व्यतीत करने में इनकी मदद और सहायता करें, आमीन। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए, वृद्ध आश्रम के लिए और उनमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, परमेश्वर आप उनकी जरूरतों को पूरा करें और प्रभु उनकी सहायता करें, और विशेष क्रम प्रार्थना करते हैं कि इनके उद्धार हो जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके मन खेदित हो चुके हैं और जो शोक में बह चुके हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, प्रभु अपने प्रेम की तसल्ली उन्हें दे ताकि उनकी सहायता होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन सब की मदद करें और इन सब का उद्धार हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इस समय सभी एक साथ होकर कहें, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। अब्राहम के वंशावली और विशेष रूप से इज़राइल में रहने वालों को आशीर्वाद दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इज़राइल में रहते हैं, उनके प्रियजनों के घर आने में प्रभु मदद और सहायता करें। जो लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बचाएं और उनकी सुरक्षा करें। प्रभु उन सभी को याद करें, अब्राहम के वंश को एहसास हो और पता चले यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, उनके मन परिवर्तन हो जाएं और वह भी उद्धार पाएं। यहोवा तेरी दया उनके ऊपर होने दे, इज़राइल में और उनके आसपास बने रहें, जैसा कि हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें। प्रभु आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें, प्रभु उन्हें भी तुम्हारी ओर आने के लिए तैयार कराएं, और उन दो गवाहों को आने दो जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, और मंदिर को बनाने दे ताकि तेरा इज़राइल में राज्य सिद्ध हो जाए, यीशु के नाम से हम सब कहते हैं गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। हम सब कहें गॉड सेव इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, आमीन। प्रभु भारत देश को आशीष करें, प्रभु भारत देश को आशीष करें, प्रभु भारत देश का उद्धार करें, प्रभु भारत देश को आशीर्वाद करे, आमीन। मेरे भारत देश में एक महान जागृति आने पाए और इनका उद्धार हो जाए। हम अपने हर एक भारत देश के राज्य और केंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश में एक नया परिवर्तन आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है, आमीन।
आओ हम सब कहें, मरनाथा, प्रभु यीशु जल्दी आ जाएं, प्रभु यीशु जल्दी आ जाएं, प्रभु यीशु जल्दी आ जाएं। अब तक हमने जितनी भी प्रार्थना की, प्रभु आपने उसका उत्तर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस समय अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी डायरी को लें और उसमें लिखी हुई प्रार्थनाओं के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें। आइए हम सभी एक मन हो के प्रार्थना करें। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, जहां कहीं भी हो, आप हमारे साथ प्रार्थना करें।
प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी जरूरतों को सुना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और बिना संदेह के मांगो। परमेश्वर ने हमें बिना संदेह के दिया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता आपके अद्भुत कामों के लिए हम तो आपको धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके वचन को पूरा करते हुए जिसके साथ आपने वादा किया है कि आप हमारे बोझ को हटा देंगे और हमारी देखभाल करेंगे। हर एक वह विषय जो परमेश्वर हमने तुम्हें कहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हमें उसका उत्तर दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रदान करें। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने इच्छा के अनुसार उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से विश्वास करते हैं, आमीन। तो आइए अपनी अपनी डायरी को स्क्रीन की ओर मोड़ें। तो आओ मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूं और हम अपने हाथों को परमेश्वर तेरी ओर उठाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करें और विश्वास के साथ इस बात की स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक के घर से हर एक व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक अंधकार की आत्मा को, परमेश्वर के लोगों में आने वाली हर एक अड़चनों को उसे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि छोड़। हर एक बीमारियों के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में से दूर होने पाए। आइए हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें आशीर्वाद किया, हमें हर एक समस्याओं से बचाया, हर एक रोग बीमारियों से बचाया, हम उसको धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को फलों से भरे, आत्मिक वरदानों से भरे और पवित्र आत्मा से भरे, जिससे कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर दया हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप लाइफ चेंजिंग सुबह और शाम की आराधना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद दे और प्रभु आपको बनाए रखे। परमेश्वर अपना प्रकाश तुम पे बनाए रखे। आप सभी अपने जीवन में लाइफ चेंजिंग अनुभव पाएं और लाइफ चेंजिंग चिन्ह और चमत्कार पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ विषयों को हम आपको दिखाएंगे, तो आप कृपया करके इस विषयों के लिए प्रार्थना करें। अभी हम तीन विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि फसल पकी हुई है परंतु मजदूरों की कमी है। यदि हम इस फसल को काटना चाहते हैं तो हाउ हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम इस सेवा में भागी होने पाए। तो आइए हम इस विषयों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें बाइबल सेमिनार के लिए, आने वाले स्टूडेंट के लिए, उन विषयों के लिए जो इन्हें सिखाए जाते हैं, ताकि ये स्टूडेंट आगे जाके परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी का कारण होने पाए। दूसरा पॉइंट यह है, आइए हम प्रार्थना करें ग्लोबल प्रे स्टेडियम के लिए, जो परमेश्वर के योजना के अनुसार इसे तैयार किया जाए, ताकि आने वाला यहां पर हर एक आशीष का कारण होने पाए। लगने वाला तमाम खर्चा, लगने वाली तमाम जरूरतें परमेश्वर अपने शाही खजाने में से पूरी करने पाए। कृपया करके इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि जल्द से जल्द जब ये भवन तैयार हो तो हजारों आत्माएं यहां पर आकर परमेश्वर की आराधना करने पाए। Hallelujah.
पिता शक्तिशाली सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद। राजों का राजा प्रभुओं का प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु। हमारा जिंदा खुदा आपका महिमा हो आपका स्तुति हो प्रभु। परंतु प्रभु आप दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु। विलंब से कोप करने वाली अति करुणामय है प्रभु। प्रभु जी हम सबको आज एक और नया दिन दिया प्रभु आप इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद। हम सबको आपका उपस्थिति में लाया प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी समय जो भी हिंदी प्रार्थना सभा में शामिल है प्रभु आप सबको हम सबको याद करो सबको आशीष करे प्रभु। हमको शुद्ध मन दे प्रभु पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु प्रार्थनात्मा से भर दे प्रभु सहायता दे मदद करे प्रभु। प्रभु जी समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दुनिया में जो आत्मनाश हो रहे प्रभु सारे आत्मा को सारे लोगों को आप बचा ले प्रभु। सारे आत्मा का उद्धार करे प्रभु। आप ही मार्ग सच्चे जीव है प्रभु। कोई आप ही द्वारा उद्धार पाता है प्रभु। आपका सहायता दे मदद करे प्रभु। प्रभु जी वचन कहता है फसल तो बहुत है फसल पकी चुकी है परंतु मजदूर कम है प्रभु। प्रभु आप विश्वासवर हिम्मतवर सेवकों को आप उठाए प्रभु ताकि दुनिया में अभी तक जो लोग आपको नहीं जाना आपका वचन को नहीं सुना उन लोगों का आपका शुभ वचन प्रकट कर पाए आपका नाम ग्रहण करने में मदद कर पाए प्रभु। आपका सहायता दे प्रभु। आप अति दयालु अति प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। आप नहीं चाहते है प्रभु दुनिया में कोई आत्मनाश हो जाओ प्रभु सहायता दे प्रभु। प्रभु जी जो भी मसीह लोग है प्रभु आपको ग्रहण किया प्रभु उन लोगों का मन में भी बोझ दे प्रभु सहायता दे प्रभु। प्रभु जी आपका वचन कहता है हम हमारे पड़ोसी को अपना जैसे प्रेम करनी है हर एक दूसरे से प्रेम रखनी है प्रभु। ये आज्ञा मानते हुए प्रभु जो भी मसीह लोग है प्रभु अभी तक जो लोग आपको नहीं जाना उनको आपका नाम प्रकट कर पाए प्रभु आपका नाम ग्रहण करने में मदद कर पाए शुभ वचन हर एक कोने कोने में प्रकट कर पाए आपका महिमा दे प्रभु सहायता दे मदद करे प्रभु। सारे आत्मा को आप बचा ले सर प्रभु सारे आत्मा को आप उद्धार करे आपका हाथ में सौंपता है प्रभु सहायता दे प्रभु जी। समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बाइबल कॉलेज के लिए प्रभु आपका आप याद करो प्रभु आपका महान दया कृपा बाइबल सेमिनार के ऊपर रखे प्रभु सहायता दे प्रभु। जो भी समय प्रभु बाइबल कॉलेज में प्रभु शिक्षा ले रहे प्रभु सारे को आप याद करो प्रभु सारे स्टूडेंट्स को आप याद करो प्रभु आपका पवित्र आत्मा से भरे प्रभु सहायता दे प्रभु। और अच्छे से बाइबल का अध्ययन करने के लिए मदद करे प्रभु और अच्छे से आपको जाने के लिए सहायता दे प्रभु। आपका महान दया में कृपा में रखे प्रभु ताकि ये लोग कोने कोने में जाके आपका शुभ वचन प्रकट करने में आपका राज्य बढ़ोतरी में मदद कर पाए सहायता दे प्रभु। प्रभु जी बाइबल कॉलेज के लिए प्रभु एक नया रास्ता आप खोल दीजिए प्रभु एक नया द्वार आप खोल दीजिए प्रभु। प्रभु आप द्वार खोलते हैं कोई उसको बंद नहीं कर सकता प्रभु। आप जंगल में मार्ग निकलने वाले प्रभु 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 बाइबल कॉलेज के लिए एक नया जगह आप दे प्रभु सहायता दे प्रभु। बाइबल कॉलेज बनाने में आपका मदद दे प्रभु सहायता दे प्रभु। आपका आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी होता है प्रभु सहायता दे प्रभु। इस बाइबल कॉलेज के लिए जो भी जरूरत होते है प्रभु सारे आप जानती है प्रभु। आप सारे देखने वाले प्रभु सारे जरूरत आपका स्वर्ग भंडार से आप पूरा कर दीजिए प्रभु। प्रभु जी अधिक समर्थ लोगों को भी अधिक लोगों सेवकों को भी आप उठाए प्रभु ताकि इस बाइबल कॉलेज के लिए में वो लोग भी उनका मदद दे पाए सहायता दे प्रभु। प्रभु जी बहुत सारे लोग इधर आके प्रभु आपका वचन पाने के लिए मदद करे प्रभु ताकि कोने कोने में जाके लोग आपका राज्य का विस्तार करे प्रभु प्रकट कर पाए प्रभु सहायता दे प्रभु मदद करे। आपका हाथ में सौंपता है प्रभु मदद करे। प्रभु जी समय हम प्रार्थना करता है प्रभु ग्लोबल प्रेयर स्टेडियम के लिए प्रभु। आप अद्भुत काम आश्चर्य काम करने वाले प्रभु। प्रभु हमारा सहायक सिर्फ आप ही है प्रभु। जो भी रुकावट है प्रभु सारे दूर कर दीजिए प्रभु सहायता दे प्रभु। जो भी परमिशन का जरूरत है प्रभु आप सब जानती हो सारे परिस्थिति को जानती हो प्रभु। आप सारे जो भी परमिशन का जरूरत है प्रभु आप जल्दी से जल्दी दिलवा दिए प्रभु। आपका अनुग्रह रखे प्रभु आपका महान कृपा इस मंदिर के ऊपर रखे प्रभु सहायता दे प्रभु। हर एक रास्ता सरल कर दीजिए प्रभु। प्रभु जी आपका वचन भजन संहिता 37:5 कहता है आपका मार्ग का चिंते हो पर छोड़ो उसके ऊपर भरोसा रखो वो ही पूरा करेगा प्रभु। प्रभु हम यही मानते हैं आपके ऊपर ही भरोसा रखे प्रभु सहायता दे मदद करे प्रभु। प्रभु जी आपका नीति वचन 16:3 ये भी बताते प्रभु आपका काम का बोझ हो पर डाले प्रभु तेरी कल्पना ही सिद्धि होगा प्रभु सहायता दे प्रभु। आपका अनुग्रह दे प्रभु सहायता दे। हर एक रास्ता सरल कर दीजिए प्रभु एक नया द्वार खोल दीजिए प्रभु नया सोच दे दीजिए प्रभु ताकि कैसे वो परमिशन मिल पाए सहायता दे प्रभु। परमिशन जल्दी से जल्दी आप दे दीजिए सहायता दे प्रभु। आप ही सिखाए प्रभु कैसे बात करनी है प्रभु किसी अधिकारियों से बात करनी है प्रभु आप ही बात करे सहायता दे मदद करे प्रभु। आपका हाथ में सौंपता है प्रभु। प्रभु जी इस मंदिर के लिए जो भी उनका अधिक सहायता देता है प्रभु उसको भी आशीष करे प्रभु। बहुत सारे अमीर लोगों को प्रभु बहुत सारे समर्थकों को भी आप उठाए प्रभु इस मंदिर बनाने के लिए वो लोग ही उनका अधिक सहायता दे पाए प्रभु। हर एक विषय आप जानते हैं प्रभु सहायता दे प्रभु मदद करे प्रभु। प्रभु जी सिर्फ आपके ऊपर हम देख रहे हैं प्रभु आपका हमारा भरोसा सिर्फ आपका ऊपर है प्रभु। किसी को
कोड़ों के ऊपर भरोसा है प्रभु, किसी हम सिर्फ बट हम आपका यहोवा नाम ही लेता है प्रभु, आपके ऊपर ही भरोसा रखते हैं। सहायता दे, मदद करे प्रभु। प्रभु जी जो भी इस मंदिर बनाने के लिए जरूरत है प्रभु, सारे आपका स्वर्ग भंडार सब पूरा कर दीजिए। सहायता दे प्रभु। प्रभु जी आप कुशल इंजीनियर्स को उठाए, कुशल मजदूर को उठाए, हर एक जो जरूरत है प्रभु सब लोगों का आप उठाए प्रभु, ताकि मंदिर जल्दी से जल्दी बना पाए प्रभु। मंदिर में बहुत सारे लोग आके, हजारों लोग आके आपका नाम का महिमा करे, आशीष पाए, जीवन में बदलाव देख पाए प्रभु। सहायता दे प्रभु। प्रभु जी आपका वचन मत्ती 7:7 है, मांगो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु हम सब लोग इस समय एक मन होकर आपसे प्रार्थना करता है प्रभु, मांगता है प्रभु इस मंदिर के लिए हर एक रास्ता आप सरल करके प्रभु इस मंदिर जल्दी से जल्दी बनाने में आपका मदद दे, सहायता दे प्रभु। आपका हाथ में सौंपता है प्रभु। प्रभु जी समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पास्टर जी के लिए, पास्टर जी का परिवार के लिए प्रभु। प्रभु आप पास्टर जी स्टीफन पॉल जी को आप याद करो, पास्टर मां शैल पॉल जी को आप याद करो, दोनों बच्चे शीना पॉल शैन पॉल जी को भी आप याद करो प्रभु। इस परिवार के ऊपर आपका आशीष बना के रखे प्रभु, सहायता दे प्रभु। आपका महान दया कृपा में सुरक्षा में रखे प्रभु, सहायता दे प्रभु। ऐसे आप आयु को आयु परिवार को आशीष किया प्रभु, ऐसे इस परिवार को भी आशीष करे प्रभु। इस परिवार का चारों तरफ आप आग का बाड़ा रखे प्रभु, आपका स्वर्गदूत भेज के सुरक्षा करे प्रभु, मदद करे, सहायता दे प्रभु। प्रभु जो भी 24 तारीख का सेवकाई चल रहे प्रभु आप सब जानते हो प्रभु, सारे सेवकाई के ऊपर आपका आशीष दे प्रभु, आपका कृपा में रखे प्रभु, आपका करुणा दे प्रभु, सहायता दे प्रभु, ताकि सेवकाई में और बढ़ोतरी और उन्नति आपकी इच्छा अनुसार योजना अनुसार आ पाए। सहायता दे, मदद करे प्रभु। प्रभु जी जो बहुत सारे सेवक लोग पास्टर जी के साथ जुड़ के काम करे प्रभु, सबको भी आप आशीष कर दीजिए प्रभु। सबको आप जीवन का जो भी जरूरत है प्रभु, सारे जरूरत आप पूरा कर दीजिए। सहायता दे, मदद करे और पवित्र आत्मा से भरे प्रभु। जो भी निरंतर लोग आपका सेवकाई में लगे प्रभु, पास्टर इवांजेलिस्ट प्रेयर वॉरियर्स जो भी लोग है प्रभु, सबको आप याद करो प्रभु, सबको आपका सुरक्षा में रखे प्रभु, सहायता दे प्रभु। आपका महान दया कृपा में हमेशा बना के रखे, सहायता दे प्रभु। प्रभु जी इस हिंदी प्रार्थना सभा को भी आप याद करो प्रभु, बहुत सारे लोग इस हिंदी प्रार्थना समय में जुड़ के प्रभु एक ही समय आपका महिमा करने का मदद करे प्रभु। हर एक टेक्निकल इश्यूज को भी आपका हाथ में ले प्रभु, हर एक चीज आपका हाथ में, हर एक रास्ता आप सरल कर दीजिए प्रभु, ताकि बहुत सारे लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़ के आशीष पा पाए। सहायता दे, मदद करे प्रभु। हर एक प्रार्थना विषय आपका हाथ में सौंपता है प्रभु, आप उत्तर प्रार्थना सुनने वाले प्रभु है, उत्तर देने वाले प्रभु प्रभु आपका हाथ में सौंपता है। हम मानते हैं प्रभु आपका इच्छा अनुसार योजना अनुसार हर एक प्रार्थना विषय के लिए हम उत्तर पाएंगे, सहायता मिलेगी। थैंक यू जीसस। ये छोटी सी प्रार्थना विनती हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए, परमेश्वर आपको आशीष करे।
अभी हमारे बीच में एक सिस्टर है, वह प्रार्थना करेंगी। धन्यवाद 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 खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देती हूँ राजा पिता। आप पूरी रात पिता हमें संभाल के रखा, आज के नया सृष्टिकर्ता आपके दिन देखने के लिए दिया पिता, और हिंदी सभा में जोड़ने के लिए प्रभु आपने दिया, हम सबको प्रभु एक साथ में जोड़ने के लिए दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देती हूँ पिता। आए प्रभु जो विषय के लिए प्रभु प्रार्थना रखा है पिता परमेश्वर पिता, हम इस विषय को आपके हाथों में देती हूँ पिता, और इस विषय को लेके प्रभु आपके चरण पे आती हूँ राजा। आइए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितना भी प्रभु मैरिज के लिए प्रभु, शादी के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु विवाह के लिए पिता, आज जितने लोग को प्रभु नहीं हुआ अभी तक मैरिज पिता परमेश्वर, एक उम्र में प्रभु होना चाहिए, एक एज में होना चाहिए पिता, और जो लोग होने जा रहे पिता परमेश्वर उनके ऊपर आशीष दे, और जो लोग हुआ नहीं पिता अब अच्छा प्रभु एक एक जीवन साथी प्रभु चुन दे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जो होने जा रहे हैं उन लोगों को ऊपर भी आशीष दे प्रभु, ताकि प्रभु जो आप प्रभु जो जिसको मिलाते हैं उसको कोई भी अलग करने नहीं सकेगा मेरे खुदाबन पिता। हम प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु उन लोगों का प्रभु प्रभु मेरे लाइफ प्रभु आप आशीष कर पिता, ताकि वो लोग आत्मिक में पढ़ने पाए पिता, हरदम प्रभु वचन के अनुसार प्रभु वो लोग चलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु एक हस्बैंड वाइफ अच्छा हो के पिता एक विश्वासी होके चलने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा आशीष कर नया मैरिज होने जाने वाला सबको प्रभु आपके हाथों में हम समर्पित करती हूँ प्रभु। सारे लोगों को प्रभु जरूरतों को पूरा करना पिता और सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करती हूँ। और जितना लोग प्रभु आज बहुत सारे भाई बहन लोग प्रभु तलाक होने के लिए जा रहे पिता परमेश्वर, आप प्रभु बहुत सारे परिवार टूट रहे पिता परमेश्वर, आज प्रभु माता पिता के लिए प्रभु आज अपना बच्चा का प्रभु बच्चा भी आज गलत रास्ता में जा रहे हैं प्रभु, उन लोगों को अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रभु उन लोगों के जीवन में प्रभु अशांति है पिता परमेश्वर। सारे शैतान को प्रभु कामों को हम यीशु का नाम से खत्म करती हूँ, यीशु का नाम से हम प्रभु यीशु का नाम से हम डांटती हूँ प्रभु, इन परिवार को छोड़ के चला जाए, और जो प्रभु तलाक होने के लिए है पिता वो सारे प्रभु यीशु का नाम से प्रभु खत्म हो जाए, उन लोगों को जीवन से निकल जाने पाए प्रभु ये बात पिता, और वो परिवार फिर से जोड़ने पाए पिता, आप आशीष कर पिता परमेश्वर प्रभु, और उन परिवार में खुशियां आने पाए प्रभु, जिस घर में प्रभु आपका नाम नहीं आप नहीं प्रार्थना नहीं उसमें प्रभु उसमें प्रभु खुशी नहीं है पिता परमेश्वर, इसके लिए प्रभु हम उन परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन परिवार के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन परिवार के लिए उन पूरे प्रभु परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप प्रभु दया कर पिता परमेश्वर, उन परिवार में प्रभु आपके पवित्र दूत को भेज दे पिता, ताकि उन परिवार से बात विचार करे पिता, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा से प्रभु पवित्र आत्मा को भेज दे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आपको दूतों को भेज दे पिता, ताकि उन परिवार को प्रभु संभाले और प्रभु में मेला प्रीति करने पाए प्रभु, जिस घर में आप नहीं पिता उस घर में प्रेम नहीं है पिता परमेश्वर, उस घर में आनंद प्रेम मिला प्रीति नहीं है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करती हूँ ऐसे ऐसे परिवार में प्रभु आपका आपके लहू से प्रभु हम बांधती हूँ पिता परमेश्वर, उन परिवार का सारे प्रभु ये सब शैतान का जो भी सच है यीशु का नाम से हम कैंसिल करती हूँ, सारे तलाक यीशु का नाम से खत्म हो जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ऐसा प्रभु सारे शैतान ने भड़काते हैं ऐसा शैतान का भड़काने वाला आत्मा को हम यीशु का नाम से हम बांधते हैं उखाड़ती हूँ उन परिवार से पिता परमेश्वर, आपके समर्थ से भर दे पिता, आपके प्रेम से भर दे पिता परमेश्वर, आपकी शांति से भर दे पिता परमेश्वर उन परिवार को मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, आज जो वो लोग प्रभु आपको जानते नहीं पिता वो पिता उन लोग प्रभु आपको जानने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जान के प्रभु वो सब प्रभु आपस आने पाए पिता, और आपके प्रभु आपके महिमा आपके आराधना स्तुति करने पाए प्रभु, उन घर में प्रभु एक प्रार्थना का घर होने पाए पिता, वो पिता उन परिवार का बच्चा लोग प्रभु
बच्चा लोग भी बचने पाए पिता परमेश्वर, उन परिवार में खुशियां डाल पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, हमारे प्रार्थना को सुनने वाला खुदावन है पिता। वो पिता तालाक का विषय खत्म हो जाने पाए यीशु का नाम से, प्रत्येक जन के जीवन में, प्रत्येक का परिवार से पिता, हमारे पूरे भारत देश से प्रभु ये चीज खत्म होने पाए पिता। और सब प्रभु सबका घर में प्रभु एक मिलन प्रभु आने पाए पिता, एक खुशियां आने पाए पिता, एक आनंद आने पाए प्रभु, ऐसा आशीष कर मेरे खुदावन पिता। हम प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आप दया कर प्रभु, दया कर मेरे खुदावन पिता, आप दया करने वाला यीशु पिता परमेश्वर आप है पिता। अब दया कर प्रभु, और जितना भी प्रार्थना है पिता, सारे प्रार्थना को उत्तर देने वाला राजा बन पिता परमेश्वर आप है पिता। दया कर पिता परमेश्वर प्रभु, आपके अनुग्रह आशीष इन परिवार में प्रभु आने पाए मेरे पिता। पिता परमेश्वर प्रभु, सचमुच में हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जिस घर में आप नहीं पिता, उस घर में खुशियां नहीं, उस घर में शांति नहीं पिता परमेश्वर, ताकि उस घर में प्रभु आपका महिमा आदर होने पाए प्रभु, ऐसा आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। खुदा आप दया कर प्रभु, आपके अनुग्रह आशीष से भर दे पिता, आपके अनुग्रह आशीष से भर दे पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन के जीवन में, प्रत्येक जन के प्रभु घर में पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, प्रभु आपको जानने पाए, प्रत्येक जन का प्रभु आत्मा बचने पाए, नष्ट होने वाला आत्मा बचने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा आशीष कर मेरे पिता। आए हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सचमुच में पिता, जो भी प्रभु जो प्रभु अभी जो प्रभु आपने जिस जिस प्रभु अपने जिस जिस गर्भ में प्रभु आपने जो फल दिया है पिता परमेश्वर, गर्भ धारण करने वाला प्रभु, प्रभु जो लोग है पिता परमेश्वर, उन प्रत्येक जन प्रभु महिला के ऊपर प्रभु आप आशीष कर पिता परमेश्वर। प्रभु आपने आपका दिया हुआ फल होते हैं पिता परमेश्वर, उन लोग का डिलीवरी का समय प्रभु आप आशीष कर पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि सही सलामत होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप सहायता करना पिता परमेश्वर प्रभु, आपसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे पिता आप प्रभु। और जिस महिला का गर्भ में प्रभु संतान नहीं अभी तक हुआ नहीं पिता, उन महिला का गर्भ में भी प्रभु आपका आशीष आने पाए पिता, एक आपका आशीष फल प्रभु उनके घर में आने पाए, और प्रभु उनके जीवन में खुशियां होने पाए प्रभु। आज बहुत सारे महिला लोग हैं पिता जिसके घर में संतान नहीं है पिता परमेश्वर, वो प्रभु उनके जीवन में अशांति है पिता, उनके जीवन में प्रभु हरदम प्रभु अशांति रहते हैं प्रभु, खुशी नहीं रहते हैं पिता। ओ प्रभु उनके जीवन में खुशियां डाल दे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि उनके परिवार में खुशियां आने पाए प्रभु। और जो लोग प्रभु अभी प्रभु डिलीवरी के लिए प्रभु जा रहे पिता परमेश्वर, उनको आशीष करना पिता परमेश्वर प्रभु, उनका सहायता करना पिता परमेश्वर, उनका प्रभु सारे बातों में सहायता करना पिता, उनके इलाज में सहायता करना मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपका हाथों में है पिता सारे प्रभु, गर्भ धारण करने वाला जितना भी महिला है पिता, हम सब महिला को प्रभु आपके लहू से हम बड़ा बांधती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। आपका दिया हुआ फल प्रभु कभी प्रभु सत्ता नष्ट न करने पाए प्रभु, ऐसा आशीष कर मेरे पिता। हम जितना भी प्रार्थना आपके चरण पे रखा हूँ पिता, हमारे प्रार्थना को उत्तर आपने दिया है पिता, आपके इच्छा के अनुसार आपने दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सारे आदर और महिमा और प्रार्थना आपको मिला, हम यीशु के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भी हमारे बीच में एक सिस्टर है, वह प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए, परमेश्वर आपको आशीष करे। Hallelujah.
हमारे बीच में ब्रदर हैं, वह प्रार्थना करेंगे। प्रवेश में शिकलाहो की जय। धन्यवाद प्रभु जी। आज आपने इतना शुभ मौका देकर इस लाइव चैनल के लिए मॉर्निंग प्रेयर में शामिल होने की आपने शामिलता दी है प्रभु जी, आपने सामर्थ्य दिया प्रभु जी, आपके लिए को आप धन्यवाद करते हैं, आपकी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें लाइक बनाकर इस लाइव चैनल के लिए मॉर्निंग प्रेयर में शामिल होने की आपने सहायता दिया प्रभु जी, आपकी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुबह जो प्रभु जी जो यंगस्टर्स है प्रभु जी, जो ओल्ड जो एल्डर्स पर्सन है प्रभु जी, जो यंगस्ट है प्रभु जी, जो सुसाइड की तरह जा रहे हैं प्रभु जी, जो अपने जीवन को एंड करना चाहते हैं प्रभु जी, जो अपने जीवन को सुसाइड करना चाहते हैं प्रभु जी, एक बार उनको याद कर प्रभु जी, उनके विचारों को बदल दीजिए प्रभु जी, उनके थॉट्स को बदल दीजिए प्रभु जी, उनके वर्ड्स को बदल दीजिए प्रभु जी, एक बार उनको याद किया प्रभु जी, आपके परिशुद्ध पवित्र आत्मा से उनको भरिए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से उन्हें भरकर प्रभु जी, मैं सच्चा रक्षक, जिंदा रक्षक, धन्य रक्षक और महान रक्षक हमारे पास है, हम क्यों अपने जीवन को एंड करते हैं प्रभु जी, ऐसे अच्छी सी थॉट्स होने की सहायता दीजिए प्रभु जी, एक बार उनको याद कीजिए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु जी, आपके अभिषेक से भरिए प्रभु जी, हमारे में जो सुसाइड में थॉट्स आ रहे हैं प्रभु जी, जो सुसाइड के लिए थॉट्स हमें प्रेरित कर रहे हैं प्रभु जी, यीशु के पवित्र नाम से अभी इसी क्षण वो थॉट्स को निकाल दीजिए प्रभु जी, हम आपके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप में ही रहना चाहते हैं प्रभु जी, क्रिसमस आ रहे हैं प्रभु जी, हम क्रिसमस में प्रभु जी आपके साथ आपके लिए आप में होने की सहायता दीजिए प्रभु जी, हम आपके लिए होने से सहायता दीजिए प्रभु जी, जो सुसाइड में थॉट्स आते हैं प्रभु जी, जो सब लोग को सुसाइड की तरह प्रेरित करते हैं प्रभु जी, वो शायद उनका आपके नाम में निकाल दीजिए प्रभु जी, हमें एक बार आपके पवित्र आत्मा से धोकर सच्चा रक्षक में हमारे जो हमारे जीवन दिया है उसी को वही हमारे जीवन लेने की सहायता दीजिए प्रभु जी, आप में सामर्थ्य है प्रभु जी, आप में है सद्बुद्धि प्रभु जी, आप में है प्रभु जी बुद्धि ज्ञान सब आप में ही है प्रभु जी, आप हमें दीजिए प्रभु जी, हम आप में होने की सहायता दीजिए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से भरकर हम जो गलत कार्य करते हैं, गलत मार्ग में चलते हैं, गलत तरीके से हम काम करते हैं प्रभु जी, वो सब को निकाल दीजिए प्रभु जी, आप में ही सत्य है प्रभु जी, आप में ही मार्ग है प्रभु जी, आप में जीवन है प्रभु जी, आपके लिए होने की सहायता दीजिए प्रभु जी, आपके सत्य हमारे मुंह में होने की सहायता दीजिए प्रभु जी, आपका मार्ग में हमें चलने की सहायता दीजिए प्रभु जी, आपका जीवन आपने जैसे हमें सिखाया कि जीवन जैसे जी कैसे जीना है, आपने आपके परलोक से उतर कर इस भूलोक में आकर एक मनुष्य कैसा जीता है, कैसे जीना चाहिए आपने सिखाया प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपके लिए कोटि को आपकी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस लाइव चैनल की प्रेयर को प्रभु जी अभिषेक कीजिए प्रभु जी, मीडिया में जो साउंड सिस्टम में कोई भी तकलीफ है, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होने की सहायता दीजिए प्रभु जी, प्रभु जी एक बार ज्ञान दीजिए प्रभु जी, आपके सद्बुद्धि से प्रभु जी इस लाइव चैनल हिंदी प्रॉनिक प्रेयर को अभिषेक से भरिए प्रभु जी, जो प्रभु जी प्रार्थना कंडक्ट करते हैं प्रभु जी, जो प्रार्थना शामिल में होते हैं प्रभु जी, सब लोगों की एक बार याद कीजिए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से भरकर आपके अभिषेक से होने की सहायता दीजिए प्रभु जी, आपका अभिषेक हमारे भरिए प्रभु जी, भरपूर से संपूर्ण से भरिए प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, और अनेक लाइफ चेंजिंग मॉर्निंग प्रेयर में हम शामिल होने की सहायता दीजिए प्रभु जी, और कई लोग इसमें शामिल होने की सहायता दीजिए प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, जो कोई अभी शामिल हो प्रभु जी एक बार उनको याद कर आपके पवित्र आत्मा से भरकर आपके अभिषेक से भरिए प्रभु जी, हमें दुगनी और तिगनी अभिषेक चाहिए प्रभु जी, आपने जैसे एलिया को अभिषेक किया प्रभु जी, एलिशा को दुगनी तरीके से अभिषेक किया प्रभु जी, आज इस दिन हम सभी लोगों को अभिषेक दीजिए प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हमें चाहिए प्रभु जी, आपका अभिषेक ही हमें चाहिए प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, सुसाइडल थॉट्स यीशु पवित्र नाम में निकाल दीजिए प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हमें वो सुसाइडल थॉट्स समाप्त करते प्रभु जी, कोई भी सुसाइड में नहीं जाए प्रभु जी, सब लोग यीशु के मार्ग में चलने की सहायता प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करके ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु रक्षक ने यीशु क्रिस्त पर पवित्र नाम में यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन।
प्रार्थना करने के लिए भाई धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप महान परमेश्वर, प्रभु जी आप सबकी दिल की इच्छा जानते हो, मन की इच्छा जानते हो परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद कर। हमारे दिलो दिमाग को जानते हो, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी यहाँ पर जूम मीटिंग में शामिल है परमेश्वर, आप सबको आशीष देना। हमारे पास्टर जी जो लीड करते हैं प्रभु, जो ये सभा चलाते हैं, उनको भी बहुत ऐसे आशीष देना, उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री को, और उनके बुलाहट के अनुसार उन्हें इस्तेमाल करना परमेश्वर। और पास्टर परमेश्वर पीजीएस पॉल मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको भी आशीष देना, उनकी संस्था को भी आशीष देना, और भी हम दिए विषय को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि जो भी इसमें टेक्निकल खराबी आती है परमेश्वर, ये सभा में परमेश्वर, या जो भी कोई परमेश्वर व्हाट्सएप में या जो भी इंटरनेट में कोई भी प्रॉब्लम बीच में आ रही है प्रभु जी, ताकि ये सभा आगे चल ना सके, है कोई भी शैतान का काम है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उसको डांटते हैं परमेश्वर, दूर हो जाए प्रभु जी, और अच्छा सा इस सभा को चलने के लिए प्रभु सहायता मदद करना परमेश्वर। प्रभु हाँ परमेश्वर, कोई भी टेक्निकल की खराबी इसमें नहीं आना, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होना, कुछ नहीं होना परमेश्वर। हम दुआ करते हैं परमेश्वर, जितने भी हमारे भाई बहन परमेश्वर बेरोजगार हैं परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु दया कीजिए, तरस खाइए उनके ऊपर परमेश्वर। प्रभु उनको एक अच्छी जॉब दे दीजिए परमेश्वर, प्रभु उनके परमेश्वर, प्रभु अपने परिवार को परमेश्वर चला सके परमेश्वर, उनकी जरूरतें पूरी कर सके परमेश्वर। हाँ प्रभु आप दे दीजिए परमेश्वर, आपके हाथ में सौंप दिया है परमेश्वर। और भी प्रभु जी परमेश्वर, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बेबस हैं, बहुत से दब हैं, उनके जीवन में आशीष अनुग्रह उढ़ेल दीजिए परमेश्वर। जो भी आप चाहते हैं परमेश्वर, रास्ते खोल दीजिए परमेश्वर, उनके दुखों को दूर कीजिए, उनकी परेशानियों को दूर कीजिए। हम दुआ करते हैं जो हिंदू से मसीह में कन्वर्ट हुए हैं प्रभु जी, उन लोगों के जीवन में भी कई कई प्रॉब्लम आती रहती हैं प्रभु जी, जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते हैं वैसे वैसे परमेश्वर शैतान भी अपना काम करता है प्रभु जी, इसलिए सारे शैतान के काम को दूर कर दो परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तरस खाओ परमेश्वर उन बहन भाइयों पे जिन पे जॉब नहीं है, आप रास्ते खोलो परमेश्वर, वो सब कुछ छोड़ के परमेश्वर आपके पीछे आ गए परमेश्वर, आप उनका आदर करो परमेश्वर। और परमेश्वर आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए, परमेश्वर आपको आशीष करे। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। हालेलुया हालेलुया
तो तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना, सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको रचाना। हालेलुया, 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 सागर में खोने न देना, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। आइए आज के वचन की ओर हम चलेंगे। When you are rejected by some people,
You are chosen by God. जब लोग आपका इनकार करते हैं, आपका तिरस्कार करते हैं, तो परमेश्वर ने आपको चुन लिया है. When world rejects you, संसार आपका इनकार करता है, God will choose you to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आपको चुन लेता है. When people around you, when they rejects you, जब आपके आसपास के लोग आपका इनकार करते हैं, Don't worry. तो चिंता मत कीजिए. Look unto God. आप प्रभु की ओर देखिए. Lord in heaven will bless you and choose you and use you in a mighty way. स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको चुन लेगा, आपको सामर्थ्य रीति से उपयोग करेगा. Joseph was rejected. यूसुफ का इनकार किया गया था. Despised by his own brothers. उसके अपने भाइयों ने उसे तुच्छ जाना था. God blessed him. प्रभु ने उसे आशीष दी. When a situation like that, when you face like that, just look unto God. जब आप इस तरह की परिस्थिति का सामना करते हैं, तो परमेश्वर की ओर देखिए. When you're rejected by some people. जब कुछ लोग आपका इनकार करते हैं. When the whole world hates you. पूरा संसार आपसे नफरत करता है. Don't run for suicide or commit suicide. तो आप आत्महत्या करने के लिए भागते हुए मत जाइए. Look at God. परमेश्वर की ओर देखिए. There is a God who made this universe. परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है. There is a God who gave you this thumbprint. ऐसा परमेश्वर है जिसने आपको अंगूठे की अलग छाप दी है. There is a God who gave you a special iris. परमेश्वर ने आपको बहुत ही अद्भुत आंखें दी है. Gave a special thumbprint. Nobody can match you. आपके फिंगरप्रिंट बिल्कुल अलग हैं. संसार में किसी के भी फिंगरप्रिंट आपके फिंगरप्रिंट से नहीं मिलते हैं. No one can match their iris with your iris. आपकी आंखों के जैसे किसी और की आंखें नहीं हैं. So God made you specially. परमेश्वर ने आपको विशेष बनाया है. Think that your file is with God. सोचिए कि आपकी फाइल परमेश्वर के साथ में है. Your name is with God. आपका नाम परमेश्वर के साथ है. Your days and your life on this earth, how many years you should live, it is also there with God. आप इस पृथ्वी पर कितने साल तक जिएंगे, कितने समय तक जिएंगे, सारी जानकारी प्रभु के साथ है. If you born on earth, it is chosen by God. अगर आप पृथ्वी पर जन्मे हैं, तो ये परमेश्वर ने चुना है. So when situation, when in face that everybody are rejecting you. और ऐसी परिस्थिति आती है जब सब लोग आपका इनकार करते हैं. When people around you despises you. जब आपके आसपास के लोग आपको तुच्छ जानते हैं. When the people around you, if they forsake you. आपके आसपास के लोग आपको भूल जाते हैं. Remember. तो याद रखिए. God who gave you thumbprints. परमेश्वर जिसने आपको फिंगरप्रिंट दिए हैं. He is ready to accept you. वो आपको स्वीकार करने को तैयार है. He chooses you. वो आपको चुन लेता है. He has sent you to this world. उसने आपको इस संसार में भेजा है. So you don't worry when they reject you. जब वो आपका इनकार करते हैं, तो चिंता मत कीजिए. Look at God. परमेश्वर की ओर देखिए. See, Joseph was fixed his eyes on God. यूसुफ ने अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाई थी. His own brothers forsook him. उसके खुद के भाइयों ने उसे छोड़ दिया था. He was denied. उसका इनकार किया गया था. But he looked unto God Almighty. उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखा. He prayed to God. प्रभु से प्रार्थना की. Father God, पिता परमेश्वर, all my family members rejected me. मेरे परिवार के लोगों ने मेरा इनकार किया है. My own people refused me. वो मेरा इनकार करना चाहते हैं. There is no other way. और कोई मार्ग नहीं है. Then God in heaven heard his prayer. स्वर्ग के परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी. He sent some people. उसने कुछ लोगों को भेजा. Took him out of dry pit. उन्होंने उसे सूखे गड्ढे में से बाहर निकाला. They sold to somebody. और उन्होंने उसे किसी और को बेच दिया. And he was a slavery. और वो तो गुलामी में था. Even though he was living like a slave, but he was praying to God Almighty. वो गुलामी में जी रहा था, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था. God made him a governor of the Egypt. परमेश्वर ने उसे मिस्र का गवर्नर बना दिया. He was a slave. वो तो गुलाम था. He was a forsaken person. वो तो भुला दिया गया व्यक्ति था. Rejected by everybody. सब ने उसका तिरस्कार किया था. Despised by his own brothers. उसके खुद के भाइयों ने उसे तुच्छ जाना. But when he fixed his eyes on Jesus. लेकिन जब उसने अपनी आंखें यीशु पर लगाई. In other words, he fixed his eyes on God. उसने अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाई. God never denied him. परमेश्वर ने उसका इनकार नहीं किया. God showed him the best. प्रभु ने उसे सबसे उत्तम दिखाया. God gave him the best. प्रभु ने उसे सबसे उत्तम दिया. Though your father and mother may forsake you, but God will not forsake you. आपके माता पिता आपको भूल जाए, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा. If your husband or wife, if they forsake you, don't worry, he will never refuse you. आपके पति या पत्नी आपको छोड़ दे, इनकार कर दे, लेकिन परमेश्वर आपका इनकार कभी नहीं करेगा. When we read John chapter 16 verse 33, जब हम यूहन्ना 16:33 पढ़ते हैं, Jesus said, the followers of Jesus will be rejected by this world, but don't worry, I have overcome this world, I will also give you power to overcome. यीशु ने बताया, जो यीशु के पीछे चलने वाले हैं, इस संसार के लोग उनका इनकार करेंगे, लेकिन चिंता मत करो, मैंने संसार को जीत लिया है, वो कहता है. समाधानम कलुगुनट्लु ई मातलु मीतो चेप्पुचुनानु. లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును. దేవుడైన ప్రభువే చెప్పాడు, ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును, అయినను మీరు ధైర్యం తెచ్చుకునండి, నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను గనుక మీకు కూడా జయమిస్తాను అంటున్నాడు. స్కూల్లో ఒక టీచర్ చెప్పొచ్చు, మా స్కూల్లో పరీక్షలే ఉండవు, మీ పిల్లలకు అసలు పరీక్షలే పెట్టము, మీ పిల్లలను మా స్కూల్లో జాయిన్ చేయండి, వచ్చిన దగ్గర నుండి తినడము ఆడడము ఎగరడము తప్ప పరీక్షలే ఉండవు అన్నాడు అనుకోండి, అది నిజమైన స్కూలేనా?
కాదు. అక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల పిల్లలకి ఏమాత్రం జ్ఞానం రాదు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మా స్కూల్లో పరీక్షలు ఉంటాయి అని చెప్తే ఆ స్కూల్కి మన పిల్లల్ని పంపిస్తాం. ఎందుకు? ప్రతి టెస్ట్లో మనోడు గట్టిపడతాడు. ప్రతి పరీక్షకు ధైర్యం పెరుగుతుందా తరుగుతుందా? సో నీ జీవితంలో ఎదురవుతున్న ప్రతి పరీక్ష అది ధైర్యాన్ని నీకు తీసుకొస్తుంది. ఈరోజు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు ఒకసారి ఆలోచించాయి. ఎవరి చేత తృణీకరింపబడుతున్నావా? If anybody denies you, don't worry. Fix your eyes on God. अगर कोई आपका इनकार करता है तो चिंता मत कीजिए, अपनी आंखें प्रभु पर लगाइए. Always look unto God. हमेशा परमेश्वर की ओर देखिए. When you face a critical situation, devil will come to you. जब मुश्किल समय का सामना करते हैं तो शैतान आपके पास आएगा. They will whisper in your ear. आपके कानों में वो फुसफुसाएगा. He will say like this. वो इस तरह से कहेगा. See, everybody are rejecting you. देखो सब तुम्हारा इनकार कर रहे हैं. Your own people are not understanding you. तुम्हारे अपने लोग तुम्हें नहीं समझ रहे हैं. Why to live on this earth? पृथ्वी पर क्यों जीवन जिए? But there is a cord here, you can hang it. यहाँ पर ये रस्सी है, इस पर तुम लटक जाओ. Otherwise, train tracks are there. ट्रेन की पटरियाँ भी हैं. So he will try to introduce something to kill yourself. वो आपको आत्महत्या करने के लिए कई चीजें बताते जाएगा. You know, the devil is very cunning. शैतान तो बहुत ही धूर्त है. He will inspire people to reject you. वो लोगों को उकसाएगा कि वो आपका इनकार करें. Forsake you. आपको त्याग दे. He will give you pain. वो आपको दर्द देगा. He will turn back to you and say, see, everybody are speaking against you. Why you want to leave? Come on, kill yourself. और फिर वो आप ही की ओर मुड़कर कहेगा, देखो सब तुम्हारा इनकार कर रहे हैं, तुम क्यों जीना चाहते हो? నిన్ను బాధ పెట్టించడానికి ప్రయత్నించేది వాడే, బాధపడుతున్న నీ దగ్గరికి వచ్చి చెవిలో చనిపోమని చెప్పేది వాడే. సాతాను రంగులు మార్చే ఊసరవిల్లు వంటి వాడు. వాడు ఈ రోజు నుండి కాదు, ఆది నుండి నరహంతకుడు. అందరినీ మోసగిస్తూ చంపుతూనే ఉన్నాడు. అవ్వను మోసగించాడు, ఆదామును మోసగించాడు, కయ్యూను మోసగించి తన తమ్ముడు చంపేలా చేశాడు. ఒకటి నువ్వు చావు, లేదా ఇతరులు చంపు. అంటే ఒక మనిషిని ముళ్ళ కంచెలా తయారు చేస్తాడు. నువ్వు పాడవ్వాలి, ఇతరులు కూడా పాడవ్వాలి. నువ్వు చెడిపో, ఇతరులు చెడగొట్టు. నువ్వు అన్యాయంగా మారు, ఇతరులు కూడా అన్యాయం చేస్తూ ఉండు. నువ్వు మోసపో, ఇతరులు మోసగించు. నీవు పాపం చేయి, ఇతరుల పాపంలో దింపు. ఇది సాతాను బోధ. సో లోకమంతా నిన్ను తృణీకరించిన పైనున్న వాడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, కానీ ఆ దేవుని ప్రేమ నుండి దూరంగా వెళ్ళొద్దు. When Joseph was rejected by people, जब यूसुफ का लोगों ने इनकार किया, chosen by God and used by God, परमेश्वर ने उसे चुना और उसका उपयोग किया. Moses was rejected from Egypt, जब मिस्र में मूसा का इनकार किया गया, and God used him mighty prophet, परमेश्वर ने महान सामर्थ्य भविष्यवक्ता के रूप में उसका उपयोग किया. Esther was orphan, एस्तेर तो अनाथ थी, but she was a prayerful girl, वो प्रार्थना करने वाली लड़की थी. God made her a queen of that land, परमेश्वर ने उसे उस देश की रानी बनाया. Oh, when people reject you, जब लोग आपका इनकार करते हैं, when your own people forsake you, जब आपके अपने लोग आपको भूल जाते हैं, there is a God who loves you, तो परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है. When Magdalene Mary, she was refused by all city people, came with the stones to stone her and to kill her. जब मरियम मगदलीनी के अपने शहर के लोगों ने उसका तिरस्कार किया, वो तो पत्थर लेकर उसे मार देना चाहते थे. Everybody said she is a sinner. सब लोगों ने कहा कि वो तो पापी है. We want to stone her. हम इस पर पत्थरवा करना चाहते हैं. Jesus said. यीशु ने कहा. Oh, you want to stone her? तुम इस पर पत्थरवा करना चाहते हो? Yes, Lord. We found her red-handedly. We got her. हाँ प्रभु, हमने इसे रंगे हाथ व्यभिचार में पकड़ा है. She's a sinner. ये एक पापी है. Now she should not live on this earth. इसे इस पृथ्वी पर नहीं जीना चाहिए. We want to kill her. हम इसे मार देना चाहते हैं. Jesus said. यीशु ने कहा. Wait. रुको. If you want to stone her. इसे पत्थरवा करके मारना चाहते हो? The first person who doesn't have any sin. You have to throw first stone. जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है, वही से पहला पत्थर मारे. Among you who doesn't have sin, throw that stone upon her. तुम में से कोई है जिसमें कोई पाप नहीं है, वो इस पर पहला पत्थर मारे. राई తీసుకున్న వాళ్ళందరూ నిలబడ్డారు, ఇవి పాపి పాపి, ఇవని కొట్టి చంపేస్తాం ప్రభువా అంటున్నారు. ఆ ఊరంతా ఆమె రిజెక్ట్ చేసింది. ఆమె ఎవరిని ఆశ్రయించిందో చెప్పండి. రక్షకుణ్ణి. రక్షకుని పాదాల మీద పడగానే వెంటనే ఆమెకు రక్షణ ఆమె చుట్టూ ఆవరించింది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. అయినా శత్రువులైనటువంటి వీరందరూ కూడా ఆమెను చంపాలని ప్రయత్నిస్తుండగా ప్రభు అన్నాడు, మీలో పాపము లేనివాడు మొదటి రాయి వేయవలను అన్నప్పుడు ఒక అతను రాయి తీశాడు. తీగాని లోపల మనస్సాక్షి చెప్పింది, ఏయ్ మొన్న ఏం వేషం వేశావు అనగానే రాయి కింద పడేశాడు. లోపల మనస్సాక్షి ఊరుకోదు కదా, మాట్లాడుతుంటుంది. మరొకడు రాయి తీశాడు, తర్వాత మరొకడు. ఒక్కొక్కరు లోపల ఉన్న మనస్సాక్షి, హేయ్ నీ సంగతి నాకు తెలీదా, నువ్వు ఎలాంటి పిచ్చాశలు వేసావు నాకు తెలీదా, ఎలాంటి పిచ్చి తలంపులు తలించావు నాకు తెలీదా, తలంపుల్లో నీకు పాపం లేదా, ఆలోచనలో నీకు పాపం లేదా అన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు మనస్సాక్షిత గుచ్చుకుందట. దేవుని బిడ్డలారా, మనస్సాక్షే లేకపోతే మనుషులు గొడ్లు కంటే ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తారు. హెబ్రూస్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 9. If you choose the righteousness, God in heaven will bless you and so that he will be lifted up. इब्रानियों 1:9, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है. यहोशू अध्याय 1:9 ये कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो.
तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। वो कहता है मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे संभाले रहूंगा, प्रभु ये कहता है। So fix your eyes on Jesus. When everybody rejects you, there is a God in heaven who accepts you, who will give you power to overcome this world. जब सब आपका इनकार करते हैं तो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाइए। स्वर्ग का परमेश्वर है जो आपको स्वीकार करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको आशीष देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा। Promise that he will not leave you nor forsake. उसने प्रतिज्ञा की है कि आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा। ఎక్కడైతే కష్టము బాధ వేదన వచ్చిందో నేను నిన్ను నా చేతులు ఎత్తుకుని నిన్ను నడిపిస్తున్నాను, నిన్ను విడవను ఎడబాయను అంతవరకు నడిపిస్తాను. ఇది నమ్మితే నీ చేతిని పైకెత్తి ప్రార్థన చేసుకుందాం. యేసు ప్రభువా, ఎవరు నన్ను తృణీకరించినా నువ్వు నన్ను విడవవు ఎడబాయవు తండ్రి. నువ్వు నాతో ఉన్నావు ప్రభువా, నేను నమ్ముచున్నాను నీ వాగ్దానాన్ని. స్టార్ట్ ప్రేయింగ్ టు గాడ్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. మేరి భాయి ఆర్ బెహను, ప్రభు సే ప్రార్థనా కీజియే, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे छुटकारा दे। You go through struggles, he is going to lift you up. जब आप परेशानी से जाएंगे तो वो आपको ऊंचा उठाएगा। When you're refused by everyone, God will accept you. जब सब लोग आपका इनकार करेंगे, परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। Look unto God. परमेश्वर की ओर देखिए। God who made you a thumbprint. परमेश्वर जिसने आपके फिंगरप्रिंट बनाए हैं। God who made you iris. परमेश्वर जिसने आपकी आंखों को बनाया है। He will not leave you, not forsake. वो आपको न छोड़ेगा न आपको त्यागेगा। Trust in God. प्रभु पर भरोसा रखिए। Pray to the Lord Almighty. सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना कीजिए। Jesus, touch me. कहिए प्रभु यीशु मुझे छू ले, मुझे अभिषेक दे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा मुझ में रख, परमेश्वर की सामर्थ्य और उपस्थिति आए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा, प्रभु तेरी उपस्थिति उतर आए। आप निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते चले जाइए, हे प्रभु तू मुझे अपनी शक्ति दे। My brothers and sisters, open your heart and pray. मेरे भाइयों और बहनों अपना दिल खोलकर प्रार्थना कीजिए। Oh, let me not go after my enemy. मैं अपने शत्रुओं के पीछे भागते न रहूं। Let me not go after the enemy's things. मैं शत्रु की बातों के पीछे न भागूं। Things of the world. संसार की चीजों के पीछे। Oh, may disturb my life. शायद ये मेरी जिंदगी में परेशानी लाए। Things of the world. संसार की वस्तुएं। May destroy. शायद ये मुझे नाश कर दे। Let me not go after the world. मुझे संसार के पीछे नहीं जाना है। Let me go after God. मैं परमेश्वर के पीछे चलूं। Let me go after truth. सच्चाई के पीछे चलूं। Let me go after the righteousness. धार्मिकता के पीछे चलूं। Thank you, my Lord. धन्यवाद मेरे प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Wash me with your blood, Father. मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर पिता। Oh, the heaven and earth, oh, pass away. Your words will never pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर तेरा वचन नहीं टलने वाला है। Oh, my parents and everyone may forsake me, but you will not forsake. शायद मेरे माता पिता मुझे छोड़ दे, मुझे त्याग दे, लेकिन परमेश्वर तू मुझे न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। This is why you saved me. इसलिए तूने मुझे उद्धार दिया है। You loved me. तूने मुझसे प्रेम किया है। Before I love you, you have loved me. मैंने तुझसे प्रेम करने के पहले तूने मुझसे प्रेम किया है। Before I knew you, you shed blood for me, God. इसके पहले कि मैं तुझे जानता, तूने अपना लहू बहाया है मेरे प्रभु। Thank you, Lord, for your love. प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। He will strengthen you. वो आपको बल देगा। He will wipe away all your tears. वो आपके सारे आंसुओं को पोंछ देगा। Your tears will be wiped out. आपके सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे। God is giving new joy. परमेश्वर नया आनंद दे रहा है। He is giving you new joy and happiness now in Jesus name. वो आपको अभी नया आनंद और खुशी दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज से आगे आपका दिल प्रभु में आनंदित हो जाएगा। आज से आगे आपका मन परमेश्वर में आनंदित हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर का आनंद आपके दिल को भर रहा है। No more sorrow. और कोई दुख नहीं होगा। No more depression. और कोई निराशा नहीं होगी। Only the joy of the Lord. लेकिन केवल परमेश्वर का आनंद होगा। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर। अपने लोगों को अभिषेक दे मेरे यीशु। इन्हें नया हृदय नया मन दे प्रभु। Every wound in their heart be healed in Jesus' name. इनके दिल का हर एक जख्म चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the communion and fellowship of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, with all the saints of God, those who are washed by the blood of Jesus, और परमेश्वर के लहू से शुद्ध किए गए संतों के साथ होने पाए, people of God, those who are every day participating in this morning and evening life changing journey. और हर रोज इस लाइफ चेंजिंग जर्नी में जुड़ने वाले लोगों के जीवन में to be with every servant of God all over the world. और पूरे दुनिया भर में रहने वाले सारे संतों के साथ those who are watching this YouTube live channel be blessed and everyone let them rejoice in Christ.
और हर एक व्यक्ति प्रभु आपके वचन को सुने और आशीषित हो। God bless you. Clap your hands and praise the Lord. ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। Make sure my brothers and sisters share this message with others. ये संदेश आप दूसरों के साथ बांटें। If you are not subscribed, please subscribe it. यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। Share with others. और दूसरों के साथ में आप बांटें। So that we are sharing the word of God, we are also helping the orphanages. तो जब आप वचन बांट रहे हैं, तो आप अनाथ आश्रमों की मदद कर रहे हैं। God bless you. हम फिर शाम को मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना एक साथ करेंगे। और जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी आप इस आराधना में शामिल करवा सकते हैं। हमारा जूम आई डी है 9553901901। एक बार और, हमारा जूम आईडी है 9553901901। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम बोलें। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और इसी प्रकार आप मेरे साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं। है मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, और लगातार हमारे साथ बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की।